अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, यहाँ पर मैं अपनी बेटियों के स्कूल जा रही थी क्योंकि आज पीटीएम था। सैटरडे को पीटीएम होता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है मंथ में एक दफ़ा या फिर 2-3 माह के बाद लाजमी पेरेंट्स मीटिंग होती है। तो हम जा रहे थे क्योंकि बच्चों के मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था मेरा टीचर से, क्योंकि रिसेंटली बच्चों की जो टीचर है ना वो चेंज हुई है। तो मैं अपसेट थी कि अब जो न्यू टीचर आई हैं उनको पता नहीं किस तरह का पढ़ाएंगी, उनका एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो कैसा बच्चों को ट्रीट करेंगी। तो मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और मैं फिर अपने हस्बैंड के साथ, और सालिहा तो मेरे साथ साथ ही रहती है, जहाँ मैंने जाना होता है वो मेरे साथ साथ रहती है। और बस फिर हम जा रहे थे, उनसे फिर मुलाकात भी मिली। फिर मैंने पूछा उनसे कि पेपर आगे आ रहे हैं दिसंबर की, आई थिंक 2 या 3 तारीख को पेपर है इनके दोनों बेटियों के, दोनों केजी क्लास में एक साथ पढ़ती हैं और एक साल का इन दोनों में फ़र्क है। तो मैं फिर ना इन दोनों को इकट्ठे ही डाल दिया था स्कूल जब डाला था ना, तो मैंने बड़ी वाली को जो है वो पहले नहीं डाला था, इसके साथ ही छोटी वाली के साथ ही डाला है। तो इस तरह यह था कि दोनों बहनों का साथ हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था, मुश्किल नहीं हुई थी। दोनों बहनें इकट्ठी जाती थी और एक साथ ही बैठती हैं, माशाल्लाह से दोनों एक साथ ही पढ़ती हैं। तो टीचर से भी जब मेरी बात हुई, तो आजकल आपको पता है कि पेरेंट्स को ना लाजमी पूछना चाहिए बच्चों के टीचर से कि किस तरह का पढ़ा रहे हैं या बच्चे किस तरह का पढ़ रहे हैं, इनकी स्टडी कैसी जा रही है। तो मैंने भी फिर उनसे पूछा कि मेरी बेटियाँ किस तरह का पढ़ रही हैं, आप इनको आगे बिठाती हैं कि नहीं बिठाती, लंच बॉक्स पूरा ख़त्म करके आती हैं कि नहीं आती, मसलन कोई और तो नहीं इनका लंच बॉक्स खा लेता? क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्कूलों में यही कुछ हो रहा है, बच्चों के लंच बॉक्स या तो आया जी खा लेती हैं या टीचर खुद इंजॉय कर लेती हैं जिस बच्चे का लंच बॉक्स ज्यादा अच्छा होता है। तो बस फिर बच्चे के पेट में जाता नहीं और माएँ परेशान होती हैं। तो ये सब बातें करना बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर मैंने उनसे बातें वगैरह की और उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, और कॉन्टैक्ट नंबर इसलिए लिया क्योंकि अक्सर जो है बच्चे कभी बीमार हो जाए या कोई एमरजेंसी आ जाए, तो फिर मैं टीचर इनकी टीचर से ना कह देती होती हूँ कि आप बच्चे आज नहीं आएंगे, या आप मुझे इनका जो वर्क है जो आप डेली बेस पर देती हैं डायरी पर लिख के भेजती हैं तो वो मुझे सेंड कर दें, ताकि जो इनकी होम ट्यूशन वाले टीचर हैं वो इनको कवर करवा दें। तो बहुत ईजी हो जाता है इस तरह, फिर जब मैं करती हूँ ना तो फिर इनकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है या पीछे नहीं रहती। तो खैर, यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए जो है नाश्ता फिर घर आके तैयार किया, उनको पराठा वगैरह दिया बना के, और दोपहर का टाइम फिर मैं यहाँ पर सूप तैयार कर रही थी। और अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना पानी जो है वो बॉयल करके फिर इसमें चीज़ें डाल रही हूँ। और मैंने आपने देखा होगा वीडियो में, चिकन भी जो है उसको भी बॉयल करके डाला है। अक्सर मैंने देखा है खवातीन क्या करती हैं, ठंडे पानी में चिकन डाल के ना कच्चा उसको बॉयल करना शुरू कर देती हैं और उसको यखनी समझ के, तो बस फिर बाकी चीज़ें भी उसमें शामिल कर देती हैं। लेकिन आप एक चीज नोट कीजिएगा कि जो इस पानी में जब इसके बबल्स बनते हैं चिकन के, या उसके ऊपर ना फिर भी कोई ना कोई जरा गंदगी वाला रह जाता है, जितना मर्जी हम वॉश कर लेना फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा और चिकन का ऊपर आ जाता है। लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें जो है ना इसका साफ सुथरे पानी लेके उसको बॉयल करके उसमें बॉयल किया हुआ अगर आप चिकन डालेंगे तो जरा भी जरासीम वगैरह कोई भी ऐसा बीच में नहीं जाएगा और अच्छे तरीके से सूप जो है वो तैयार होगा। तो यहाँ पर सारी चीजें जो है आप देखते जाइए मैं क्या कुछ डालती हूँ। और इसमें मैंने ना बॉयल किया हुआ एग उसकी जर्दी को नहीं डाला, सफेदी को डाला था। अच्छा, ये ना जो सूप है ना मुझे पहले बनाना नहीं आता था, फर्स्ट टाइम मुझे मेरी आपी ने, मेरी नंद है इकलौती नंद है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला सबको ऐसी नंद दे जिस तरह मेरी है और बहुत ज्यादा वो अच्छी है नेचर वाइज भी। तो उन्होंने मुझे सिखाया था कि इसको किस तरह बनाते हैं, तो बस फिर मुझे उन्होंने जब ये तरीका बताया ना तो मैंने बस एक दो इंग्रेडिएंट्स जो है वो चेंज कर दिए थे मैंने अपनी फैमिली के मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक मैंने इसमें और शामिल कर दिया था। जैसे चिकन पाउडर ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया था, अक्सर डालते होंगे लोग लेकिन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया कि इससे टेस्ट बड़ा अच्छा आता है सूप में। यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लोर वगैरह ऐड कर रही हूँ और आपको पता चलता जा रहा होगा मैंने क्या कुछ इसमें डाला है। इस तरीके से अगर आप सूप बनाएंगे तो बहुत टेस्टी मजेदार जो है ना वो सूप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में तैयार होगा, बल्कि बाहर से बहुत ज्यादा अच्छा जो है ना आप घर में बना सकती हैं और इतना मुश्किल नहीं है। ये मैंने ना यहाँ पर, अच्छा मैंने ना सूप में पहले थोड़ा सोया सॉस, सिरका और साथ में चिली सॉस डाला था ना, आपने देखा होगा वीडियो में, लेकिन यहाँ पर मैंने एक अलहदा से इसको एक वो उसमें क्या कहते हैं प्याली में डालकर उसमें मैंने थोड़ी सी ना जो सब्ज मिर्ची होती है ना उसको कट करके तो इसमें डाला हुआ था और तकरीबन 15-20 मिनट मैंने इसको रख दिया था। इससे भी बहुत ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा जब आप इस तरीके से भी सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस डालेंगी तो बहुत मजे का टेस्ट आएगा। यहाँ पर एक अंडा लिया है और इसको इस तरह से देखे एक हाथ से हिलाते जा रहे हैं, दूसरे हाथ से अंडे को डालते जा रहे हैं। एकदम से आप इसमें एग जब शामिल करेंगे ना तो वो सारा जो है ना वो इतना छोटे छोटे उसके जो है रेशे टाइप नहीं बनेंगे, इस तरह डालेंगे तो बहुत ईजिली आप सूप जो है उसकी लुक चेक करें, बिल्कुल अब गाढ़ा हो गया था। मैंने इसको ज्यादा भी पतला नहीं रखना था और ज्यादा भी गाढ़ा नहीं रखना था। तो यहाँ पर मैं बस तैयार कर चुकी थी अपनी बेटियों के लिए भी, क्योंकि उनके आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि उनका गला भी खराब हुआ था। और बस फिर सूप वगैरह पीने के बाद थोड़ा मैं भी रिलैक्स फील कर रही थी क्योंकि मेरा अपना गला खराब था। तो यहाँ पर मेरी आपी की जो छोटी बेटी है वो यहाँ पर ना उसका दराज से पार्सल आया था, तो वो बड़ी कि मैं ना इसको खोलूँ जल्दी से बहुत ज्यादा खुश भी थी। तो बस फिर जिस तरीके से वो उसको खोलती जा रही थी मैं उसकी वीडियो बनाती जा रही थी। तो यहाँ पर इसने बॉक्स जो है वो अपना ऑर्डर किया हुआ था तो उसका आया है, क्योंकि आपको पता है 11-11 की दराज की सेल लगी हुई है, बस
पास। फिर हम लोग भी जो है, मैंने भी काफी चीजें वहां से ऑर्डर की हुई है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं भी शेयर करूंगी मैं क्या कुछ लेकर आई हूँ। तो ये एक बॉक्स मुझे बड़ा अच्छा लगा, इसमें आप कपड़े वगैरह भी डाल सकते हैं, इसमें आप बुक्स वगैरह, वो कह रही थी कि मैं बुक्स वगैरह डालूंगी या टॉयज वगैरह डाल के, तो खाला इसको सेव करके रखूंगी। और अरिशा मिर्जा भी बिल्कुल उसके पास ही, और बहुत ज्यादा थोड़ी सी सैड भी थी कि मामा हमारा पार्सल अभी तक क्यों नहीं आया। तो खैर उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।